हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। इस वीडियो में जो है हम लोग झारखंड के जनजातीय विद्रोह और आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1767 से 1931 के बीच में हुआ था। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो इस वीडियो में जो है हम लोग जानेंगे कि झारखंड में जो है कौन कौन से विद्रोह और आंदोलन हुए थे। और इससे पहले के जो वीडियो है उसको भी जरूर देखिए, तभी जो है एक के बाद एक का घटनाक्रम आपको समझ में आएगा। क्योंकि इससे पहले जो है वीडियो जो है उसमें जो है अंग्रेज़ों का जो है कि झारखंड में प्रवेश के बारे में बताया गया था, और ये सारा विद्रोह जो है वहीं से संबंधित होगा, इसलिए उन वीडियो को भी जरूर देखिए। तब हम लोग जो है जानते हैं कि जनजाति लोग जो थे वो विद्रोह क्यों किए थे। अगर कुछ ना कुछ तो कारण होगा, तो उन कारणों में से जो है अलग अलग कारण थे। राजनीतिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे और धार्मिक कारण भी थे। तो राजनीतिक कारण में जो है आंतरिक स्वायत्तता पर आघात, उनका जो आंतरिक व्यवस्था था जनजातियों का, उस पर भी जो है आघात किया जा रहा था। और आदिवासियों के मुखियाओं पर नियंत्रण, ये एक बहुत बड़ा कारण था जो है इनके विद्रोह का। कारण क्या था कि आदिवासी जो है अक्सर कबीलों में रहते थे, और कबीले का जो है मुखिया हुआ करता था, जो कि सर्वप्रिय होता है जनजातियों का एक तरह से कहा गया, और उनको भी जो है नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता था अंग्रेजों या फिर जमींदारों या फिर जागीरदारों के द्वारा। तो ये जो है आदिवासियों को बर्दाश्त नहीं होता था, इसी के कारण भी जो है विद्रोह हुआ करते थे। इसके बाद है आदिवासी प्रदेशों में अधिकार। आदिवासियों का जो निवास स्थान था, यानी कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उसका जो मतलब प्रदेश था, उस पर भी जो है अंग्रेजों ने जो है अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया था, या फिर वो जमींदारों के द्वारा जो है उनसे छीना जाता था। इसके बाद है अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून और अंग्रेजों द्वारा शोषण। 1767 तक क्या हुआ कि अंग्रेजों का जो है धीरे धीरे जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में जो है अधिकार हो गया, जिसको जो है दीवाने मिल गई। तो अब धीरे धीरे जो है झारखंड को भी जो है उन सभी कानूनों में जो है बांधना शुरू कर दिया, और इसके साथ ही जो है अंग्रेजों का जो है एक शोषण की नीति जो है चल पड़ी। इसके बाद है राजा जमींदार, ये लोग भी जो है अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। अब है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है कि कृषि की समस्या, बहुत सारी समस्याएं थे, उसमें से एक समस्या कृषि की भी समस्या जो है आने लगी। निर्वाह के साधनों पर नियंत्रण, यानी कि इनका जो जीवन यापन चलता था, जो जनजाति लोग जंगलों में रहते थे और जंगल से ही जो है वो खाद्य पदार्थ या फिर अपनी ज़रूरत की चीज़ों को वहाँ से प्राप्त करते थे, उस पर भी जो है नियंत्रण होना शुरू हो गया था। इसके बाद है जमींदार, ठेकेदारों, साहूकारों द्वारा जो है इनका शोषण किया जाता था। इसके बाद है सामाजिक कारण, जनजातीय प्रथाओं पर हस्तक्षेप। जनजातियों की जो है बहुत सारी अपनी प्रथाएं थी, उस पर भी जो है हस्तक्षेप होना शुरू हो गया था। दीकुओं एवं आदिवासियों में सामाजिक अलगाव, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। इसके बाद है धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण में से जो है ईसाई धर्म का प्रचार झारखंड के क्षेत्र में खास करके, इस कारण से भी जो है जनजातीय विद्रोह और आंदोलन हुए थे। तो ये थे कुछ प्रमुख कारण जनजातीय विद्रोह या फिर आंदोलन का। अब हम लोग देखते हैं विद्रोह के बारे में। तो पहला विद्रोह जो है ढाल विद्रोह जो है वह है 1767 से 77 तक हुआ था, और ढालभूम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। ये सारे घटनाक्रम क्यों ये विद्रोह हुआ था इसके बारे में जो है पिछले वीडियो में बताए हैं। यहाँ पर जो है जानिए कि ढाल विद्रोह जो है 1767 से 77 के बीच में हुआ था, नेतृत्वकर्ता कौन थे, जगन्नाथ ढाल। दूसरा विद्रोह था चुवार विद्रोह, जो कि 1769 से 1805 के बीच में हुआ था। अंग्रेज जंगल महाल के भूमिजों को जो है चुवार या फिर चुआड़ कहते थे, ठीक ना। चुवार जो है खेती के अलावा अधिकांश स्थानीय जमींदारों के यहाँ पाई अर्थात सिपाही का काम करते थे, और इनके काम के बदले जो है उन्हें जमीन दी जाती थी, जो कि पाईकान जमीन कहलाती थी। और इसी तरह के पाई जो
उड़ीसा में जो विद्रोह हुआ था पाइका विद्रोह, उसमें भी सेम चीज यही था। वे लोग भी जो है सिपाही थे और जमींदारों के यहाँ जो काम करते थे और उनको जो है ज़मीन दी जाती थी। पाइका विद्रोह जो है वो उड़ीसा में हुआ था। यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो चुवार विद्रोह से संबंधित है। और इसका कारण क्या था इस विद्रोह का, कि अकाल का होना, इस इलाके में जो है अकाल भी पड़ा था, लगान में वृद्धि कर दी गई थी, जमीन की नीलामी एवं आर्थिक मुद्दे, इन कारणों से जो है चुवार विद्रोह हुआ था। और नेतृत्व तो किसने किया था, रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, सुबह सिंह और मंगल सिंह के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। इस विद्रोह में जो है रघुनाथ महतो के द्वारा जो है एक नारा दिया गया था, वो था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये जो है रघुनाथ महतो के द्वारा जो है नारा दिया गया था। अब देखते हैं चेर विद्रोह, जो कि 1770 से 71 के बीच में हुआ था। और कारण क्या था, कि अंग्रेजों द्वारा जो है पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन देना। ये गोपाल राय कौन था इसके बारे में भी जो है पिछले वीडियो में आप जान सकते हैं आसानी से। इसमें जो है नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व किया था पलामू के चेर राजा चित्रजीत राय और उसके दीवान जयनाथ सिंह ने। इन्होंने ही जो है चेर विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब जो है भोगता विद्रोह, जो कि 1771 में हुआ था, और यह विद्रोह जो है चेर विद्रोह का ही पूरक था। इसका कारण क्या था, कि कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने का आदेश देना, ठीक ना। ये देखिए दोनों विद्रोह जो है चेर विद्रोह और भोगता विद्रोह, ये एक दूसरे के साथ ही हुआ था, क्योंकि इसका जो नेतृत्वकर्ता जो था वो था पलामू का दीवान जयनाथ सिंह। और यहाँ पर भी जो है चेर विद्रोह का भी जो है नेतृत्वकर्ता में जो है इनका नाम है दीवान जो है जयनाथ सिंह। तो अब जो है आपको ये भी जानना है कि प्रश्न कैसे आता है। तो पहला है कि विद्रोह जो है कब हुआ था, एक चीज़ ये सबसे पहले आप याद रखिए। दूसरा, इसका जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये दो चीज़ों को जो है आपको हमेशा याद रखना है। और ख़ास करके जो है प्रश्न जो है इन्हीं क्षेत्रों से आता है। और घटनाओं को भी याद रखिए, आप जो है सीधे विद्रोह अगर पढ़ने जाइएगा तो क्या होगा कि आपको एक तरह से समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों हुआ था। इसलिए पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे कि इसके बाद के जितने भी घटनाक्रम होंगे या फिर जनजातीय विद्रोह या आंदोलन होगा वो सब कुछ समझ में आएगा। और ये वीडियो जो है आपको जैसा भी लगा हो लाइक और डिसलाइक का बटन दबा कर ज़रूर बताइए, और कमेंट भी कीजिए कि ये वीडियो जो है आपको किस प्रकार का लगा है। और साथ ही साथ जो है इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।